हम लोग रात में शिरडी के वहां रुक गए थे मुंबई से निकलने के बाद। अब हम जा रहे हैं मनमाड़ की ओर। पांच ठीक है, बता कि कल दोपहर में 4 बजे हम लोग हर घर से निकले नर्मदा विहार। नर्मदे हर कल दोपहर में 4 बजे हम लोग हर घर से निकले और करीबन 10:30 बजे हम लोग शिरडी पहुंचे। हम लोग चाहते तो वाया नासिक मालेगांव उस रास्ते से भी जा सकते थे। अगर आपको उधर जाना है तो आप उस रास्ते से भी जा सकते हो, लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव्स मनमाड़ में नर्मदा परिक्रमा के लिए साझा होने वाले थे, साथ आने वाले थे, इसलिए हम लोग इस रास्ते से आए हैं। और मैंने एक प्रसंग आपको रास्ते में बताया कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, चाय की दुकानें सारा सब कुछ बंद है सिवाय पेट्रोल पंप के, और पेट्रोल पंप पर भी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा, किसी कोई होटल नहीं है। तो कल हम लोग 4 बजे निकलने के बाद में करीबन 7:30-8 बजे भूख लग गई थी। तो मैं और कविता बात कर रहे थे कि अब कैसे खाने का कैसा करेंगे, होटल तो सारे बंद है। अच्छा, हर बार हम लोग जाते हैं तो खाना साथ लेकर जाते हैं, लेकिन अब की बार खाना साथ नहीं लाए तो चिंता थी कि भाई कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मन में एक सहादा था कि भैया जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, जो तो भैया को ठीक लगेगा वो करेंगे भैया। तो साथ में पोहे और मुरमुरे थे। कविता ने कहा कि नहीं, अगर कुछ खाने को मिला तो हम पोहे मुरमुरे में नमक मिर्च मिलाकर खा लेंगे, लेकिन भैया की कृपा देखी है, हम राजनांदगांव पहुंचे और वहां पर उसी के बगल में एक होटल थी जिसका शटर नीचे से थोड़ा सा खुला था। तो मैंने गाड़ी रोका, गाड़ी रोक के मैंने जस्ट पूछा कि भैया कुछ खाने को मिलेगा, तो बोले आ जाइए। और सच बताऊं आपको, पसंदीदा खाना गर्मा गर्म ज्वारी की रोटी, बाजरी की रोटी, बैंगन की सब्जी, बैंगन करी, ककड़ी, टमाटर, गरम गरम वड़ा पाव, मैंने इतना बढ़िया खाना उसने दिया। मैं सोचता हूं कि माँ का ही चमत्कार है, माँ के चमत्कार की अनुभूति है, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में हमें खाना मिला। फिर हम 10:30 बजे शिरडी आए, थकान हो गई थी, सोचा अब हॉल्ट कर ले, मनमाड़ पहुंचना था, लेकिन मनमाड़ रात में जाके भी कुछ आगे बढ़ नहीं सकते थे, तो शिरडी में हॉल्ट कर लिए। अभी हम शिरडी से सुबह 5:45 बजे निकल गए और अभी हम मनमाड़ पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये मनमाड़ का किला है, ये काफी फेमस किला है। मनमाड़ यहाँ से एक 10 किलोमीटर दूरी पर है, सुंदर शहर, सुंदर स्थान, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ। प्रकार का यह सुहावना सफर, रात भर में ट्रक बहुत चलते हैं, सारे रास्ते भर ट्रकों का रश रहा। अब यहां से हम लोग मनमाड़ में, हम लोगों के जो रिलेटिव है, मेरे साडू श्री राजकुमार जी अग्रवाल, हमारे साली साहिबा श्रीमती तारा देवी अग्रवाल, मेरे साले साहब श्री गोपाल जी अग्रवाल, और हमारे भाभी श्रीमती बीना देवी अग्रवाल, वो लोग मनमाड़ में आए हैं, वाकोला से मनमाड़ आए। अभी हम लोग उनको यहाँ से साथ में क्लब करेंगे, हम लोग सब क्लब हो जाएंगे और फिर आगे की यात्रा यहाँ से मालेगांव, मालेगांव से धुलिया, धुलिया से सेंधवा और सेंधवा से ओंकारेश्वर जाएंगे। ओंकारेश्वर जाने के बाद में फिर हम लोगों की यात्रा, वहां पर हम लोग कन्या पूजन करेंगे, कन्या पूजन करने के बाद भी यात्रा उठा लेंगे और फिर आगे का रास्ता हम तय करेंगे। ये नीचे रेल की पटरी है, औरंगाबाद जाने वाली रेल।
सूरज भगवान अपनी लालिमा बिखेर रहे हैं। ओम सूर्य देवताय नमः, ओम रवये नमः।